अस्सलामुअलैकुम जी तोहफा यार ये लजीम अलशान मदर। आज मेरा परसों पुराना नहीं कह सकता, ठीक है इतने भी पुराने नहीं है, परसों का यार मेरा चड्डी यार, हम एक साथ हमारी स्कूलिंग थी, मेरा छोटी फ्रेंड रोहित जॉनसन, मेरे भाई ने, मेरे दोस्त ने मुल्तान गुलगश्त में अभी रेस्टोरेंट बनाया था, कितने एक साल हो गया, तो शुक्र अलहमदुल्ला बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा था। तो हम लोग सोचे रहते थे कि यार कब जाए रोहेल के पास, कब चले। एक दो दफ़ा मैं आया हूँ, मगर मेरी गलती है कि मैं पूरा नहीं उतर सका अपनी बात पर, कभी आया नहीं, चक्कर नहीं लग सका, कुछ मसरूफियत ऐसी बनी, फिर आगे नहीं है जब मुझे आना होगा। मगर इस बार मेरा पक्के वाला वादा था कि रोहेल भाई मैं लाज नहीं आऊँगा आपके पास, बैठेंगे, गपशप भी लगाएंगे और थोड़ा सा जरा घूमेंगे फिरेंगे और छोटा मोटा व्लॉग बना लेंगे भाई जान। तो रोहेल भाई थैंक यू यार, और इस बार शाह जी को बोला था अगर आप नहीं आए तो ये फिर नाराजगी वाली बात हो जाएगी, और वो नाराजगी बात हो जाएगी, और वो नाराजगी क्या थी कि हाँ फिर दी एंड हो जाएगा। कहानी का दी एंड हो सकता है, अच्छी दोस्तियों का नहीं हो सकता। और अच्छा एक और जो खास बात दोस्ती से याद आया, शुक्र अलहमदुल्ला मेरे अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद का करम है कि मेरे साथ जो मेरे खास तौर पर जो मेरे और फ्रेंड्स हैं ना, कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, चाहे वो इस्लामाबाद के हैं, चाहे वो स्पेशली बल्कि मुल्तान वाले जो लसाल स्कूल में जहाँ हमारा एक साथ ताल्लुक बना, वो आज तक जुड़े हुए हैं। ये उन लड़कों के लिए और उन फीमेल फ्रेंड्स के लिए या मेल फ्रेंड्स के लिए कि आजकल ये दोस्तियाँ नहीं मिलती, शुक्र अलहमदुल्ला 20-25 साल पुराने दोस्त हैं और आज भी वैसे के वैसे हैं। ना कि मैं मीडिया की वजह से रोहेल भाई का फ्रेंड बना, ना रोहेल मेरे ऐसे फ्रेंड बने कि जो कोई रेस्टोरेंट है या कोई बड़ी पोस्ट पे चले गए, और शुक्र अलहमदुल्ला सब माशाल्लाह सेटल्ड हैं, सब बहुत अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं। तो ये जो होती है ना सच्ची यारी और पुरानी यारी, वो सब पे भारी होती है। एग्जैक्टली ऐसी तो मैं बहुत कुछ बोल लिया। तो कुछ रेस्टोरेंट का आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, वो टाकोस शाकोस जो आए वो बताएं जरा थोड़ा सा। ये है कि मिकासा इसका नाम है रेस्टोरेंट का रखा हमने, स्पेनिश वर्ड है ये बेसिकली, इसका मतलब है माई होम। तो अभी जो है इसमें हमने एड ऑन किया है अपना मैक्सिकन फूड थोड़ा, इसमें टाकोस हैं, इंचिलाडास हैं, ब्रिटोस हैं, कैसेडियाज हैं, तो ये हम हाउस स्पेशलिटी में हमारा रेस्ट, इसके अलावा कॉन्टीनेंटल है, इटालियन है, फास्ट फूड है, तो डिपेंड करता है डिफरेंट क्यूज़ीन है, तो आपकी क्या मतलब हर तरह की कैटेगरी हमने रखा है, बट स्पेशलिटी में ये कि हमारा मैक्सिकन है टाकोस, जिसमें एक ऑप्शन आपके पास बीफ एंड देन सी फूड श्रिम टाकोस, तो विजिट कीजिएगा। जैसे शाह जी आज हमारे पास आए हैं कोई साल डेढ़ दो के बाद, नहीं भाई मैं ये साल ही तो आप विजिट कीजिएगा, दो में चांस दीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, लाइक एक नया चीज़ है इंट्रोड्यूस करने की कोशिश किया है मुल्तान मार्केट। आप विजिट करें भाईजान, आजकल इनका जो टाकोस हैं वो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, मुल्तान फूडीज के जो इर्द गिर्द के जितने भी ग्रुप्स हैं, सोशल मीडिया ग्रुप्स हो गए, फूडीज ग्रुप हो गए, उसमें बहुत प्रमोशन चल रही है। और ये भी बता दो भाई जिन, कोई पेड प्रमोशन वगैरह नहीं चल रही। अभी जाएंगे अंदर, अभी दो हमारे कस्टमर बैठे हुए थे, दोनों ने कहा कि हमें टाकोस ही खाने हैं, और अभी भी एक फैमिली आई हुई है। और आपको पता है मंडे वाले दिन ये जो क्लोजिंग डेज होते हैं या समझे जो वीक डेज होते हैं, इनमें ज़रा रश आवर कम होता है, स्पेशली रेस्टोरेंट फील्ड में। तो ऐसा ना समझिएगा कि भाईजान रश नहीं है, तो रेस्टोरेंट भाईजान शुक्र अलहमदुल्ला टाकोस ने धूम मचाई हुई है, तो आप लोग भी आएँ बैठें और हमारे साथ रोटी खा कर जाइएगा। आज अंदर बैठने तक का सफर हम हमारे साथ ज्वाइन करें। अच्छा ये बताना भूल गया, यहाँ तक कैमरा मैन हमारी बेगम है, सेटअप कैसा बना हुआ है? बहुत प्यारा। ये एक महीने का बड़ा ही अच्छा सा और से मीटर का काम कितना मीटर ये भाई ऑलराउंडर ही है। अच्छा जितनी टीम है ना सारी ऑलराउंडर है, जैसे मैं दो सौ बाद भी कर लेता हूँ, कैच भी लेता हूँ, किचन भी लो, ऐसे ही रहेंगे सारे ऑलराउंडर। सॉरी किचन रोहेल भाई, रोहेल भाई हमें अपना किचन विजिट करवा रहे हैं, तो किचन विजिट से पहले ये ना समझिएगा कि हेलमेट पहन लिए भाई साहब, सेफ्टी बहुत प्रिकॉशन वगैरह बड़े ज़रूरी होते हैं, बेशक दोस्ती यारी मगर किचन में अच्छे तरीके से आना चाहिए, सेफ्टी को वो क्या कहते हैं, सेफ्टी के इनसार को मुकम्मल रखना चाहिए। मुझे देख के बड़ी खुशी हुई, मैंने भी उधर बैरियाटाउन में रन किया है, मगर मेरा अक्सर होता था कि जो हमारा वॉशिंग एरिया होता था ना बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता था, हालांकि तीन तीन डिश वॉशर रखे हुए थे। मुझे मेरे दोस्त को इस तरह से देखते हुए बड़ी खुशी हुई, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और किचन मतलब बड़ा प्यारा सा चूल्ही टाइप सा बना हुआ है, बहुत अच्छा था। अच्छा और एक और बात, हाँ जो मेन बात मैं बताना भूल गया कि ये नहीं कि आप रेस्टोरेंट में बहुत सारा वो स्टाफ रख लें,
और वो लोग उसको चलाएं। ये दो चार बड़े ऑलराउंडर लड़के हैं, ये सब चीजें बनाते हैं, साउथ सर कॉन्टिनेंटल मैक्सिकन देसी वो एग्जैक्ट का सब। ये फाइनल टच है पिज्जे का। अच्छा ये कौन सा लार्ज सॉरी से लाना भाई सुप्रीम लार्ज सुप्रीम ये भाई मैंने ऑफिस बनाया था अपने लिए और रोहेल माशाल्लाह यहाँ वेटर से लेके मैनेजमेंट अकाउंट मालिक शालिक का तो रोला ही नहीं है ना, बेशक ऑनर है मगर हर चीज़ को खुद देख रहे हैं, यहाँ तक कि डिमांड सुबह चीज़ें लाना और फिर वैकेंसीज देखना सोशल मीडिया देखना अपने दूसरे बिजनेस को छोड़ के रेस्टोरेंट को फॉलो अप लेना सब कुछ के यार क्या है कस्टमर के पास जाना। और एक ऑनर में ये खास बात होनी चाहिए कि यार वो अपनी चीज़ों का फॉलो अप लेता रहे और हर चीज़ पर उसकी नज़र हो क्योंकि शब्बीर तो देखेगा। Audio Jungle.
Audio Jungle.